हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्स पार्टी डिवोर्स की जो प्रक्रिया होती है वो कोर्ट में किस तरीके से चलती है। यानी कि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड होता है वो डिवोर्स लेना चाहता है और वाइफ डिवोर्स नहीं लेना चाहती, या फिर वाइफ डिवोर्स लेना चाहती है और हस्बैंड डिवोर्स नहीं देना चाहता, और ऐसे परिस्थिति में कोई एक के द्वारा अगर डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की जाती है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से कोर्ट में होती है और आखिर कब ये एक्स पार्टी डिवोर्स है वो मिलता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्स पार्टी डिवोर्स की जो प्रक्रिया है उसे समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो डिवोर्स है वो कितने तरीके के होते हैं। तो पहला होता है कि म्यूचुअली डिवोर्स, यानी कि दोनों के म्यूचुअली वो डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। यहां पर जब म्यूचुअली डिवोर्स फाइल करते हैं तो कोर्ट के द्वारा ये पूछा जाता है कि आप डिवोर्स क्यों ले रहे हैं, क्यों अलग होना चाहते हैं, क्या रीजन है, आप फिर से इस डिसीजन पर आप एक बार फिर से सोचिए, और इसके बाद 6 महीने के बाद की डेट दी जाती है। 6 महीने बाद भी दोनों के जो डिसीजन है वो चेंज नहीं होते हैं, दोनों साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो कोर्ट के द्वारा जो म्यूचुअल डिवोर्स होता है वो उसमें म्यूचुअल डिवोर्स की जो डिक्री होती है वो दे दी जाती है। दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स होता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में ये होता है कि पहला हस्बैंड होता है वो डिवोर्स लेना चाहता है लेकिन वाइफ डिवोर्स नहीं लेना चाहती, या फिर वाइफ डिवोर्स लेना चाहती है हस्बैंड डिवोर्स देना नहीं चाहते, तो ऐसी परिस्थिति में एक्स पार्टी डिवोर्स हो सकते हैं। कि कोई एक होता है जो डिवोर्स की एप्लीकेशन एक के द्वारा फाइल की गई है तो दूसरा वो अपीयर नहीं होता है, तो इस परिस्थिति में एक्स पार्टी डिवोर्स भी हो सकता है। तो जैसे कि यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि हस्बैंड के द्वारा डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की गई। अब डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो वाइफ है उसके एड्रेस पर समन्स या नोटिस इश्यू होगा। यहां पे बात ये जरूरी है कि उसे प्रॉपर ये जो समन्स या नोटिस है वो डिलीवर होना चाहिए, उसे रिसीव्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे मिला ही नहीं और आगे की प्रोसेस की जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले ये बात होती है कि जब हस्बैंड के द्वारा अगर डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की गई है तो वाइफ के जो है प्रॉपर एड्रेस पर उसी व्यक्ति को वो समन्स या नोटिस इश्यू होनी चाहिए, रिसीव होनी चाहिए। अब रिसीव होने के बावजूद जानबूझकर अगर वो उस डेट पर नहीं आती है, वाइफ के द्वारा नहीं आती, मन इग्नोर करती है, तो जनरली क्या होता है कि कोर्ट के पास तो पावर होता है कि वो एक्स पार्टी डिवोर्स डिग्री दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो 2 से 3 मौके देते हैं। तो वो दोबारा से तीसरी बार जो समन्स है या नोटिस है वो वाइफ के एड्रेस पर इश्यू करेंगे, लेकिन बार बार समन्स और नोटिस रिसीव होने के बावजूद भी अगर दूसरी पार्टी के द्वारा वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए वो नहीं आती है, जानबूझकर नहीं आती, तब कोर्ट जो है CPC ऑर्डर 9 रूल 6 का इस्तेमाल करते हुए जो प्लेंटिफ है जिन्होंने डिवोर्स फाइल किया है उनकी फेवर में एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री या फिर जजमेंट दे देते हैं। अब जजमेंट देने के बाद क्या दूसरी पार्टी का, यानी कि जब यहां पर वाइफ ने कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुई थी, तो क्या उनके पूरे अधिकार खत्म हो गए? अब क्या उनको कोई रेमेडीज नहीं है? अब क्या वो अपने पक्ष रखना चाहती है तो नहीं रख सकती? तो ऐसा नहीं है। जब ये जो एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर है, ये जो लिमिटेशन एक्ट है उसके मुताबिक 30 दिन के अंदर अंदर वाइफ है उसे जो डिक्री है उसके अपोजिट यानी कि अपील में उसे जाना पड़ेगा, या फिर सेम कोर्ट में वो रिस्टोर की एप्लीकेशन लगा सकती है। यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 9 रूल 13 के मुताबिक वो सेम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा सकती है कि मुझे सुना जाए, मेरे इस कारण से जो ये रीजन है उसे रीजन देना पड़ेगा कि अगर आपको समन्स और नोटिस इश्यू हुआ था
फिर भी आप क्यों नहीं आए, जो जेन्युइन रीजन होते हैं वो जेन्युइन रीजन उन्हें बताना पड़ेगा और वो सेम कोर्ट में ये प्रोसीजर कर सकती है कि मुझे सुना जाए। यही चीज वो हाई कोर्ट में भी अपील में जा सकती है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 96 सब क्लॉज 2 के तहत वो अपील में भी जा सकती है, यानी कि वो दोनों जगह पर एप्लीकेशन लगा सकती है कि उसे एक बार सुनने का मौका दिया जाए, उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। लेकिन ये कब, जब एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री हो जाती है, एक्स पार्टी डिवोर्स जजमेंट मिल हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसीजर करनी पड़ती है। अब मान लेते हैं कि जो वाइफ है उसे पता तब चलता है जब बहुत डिले हो जाता है, यानी कि ये जो 30 दिन का समय था वो भी खत्म हो गया, तो अब क्या उनके पास क्या रेमेडी है, कि क्या वो अभी एक्स पार्टी डिवोर्स है उसे वो मानना ही पड़ेगा, क्या अब उसके रास्ते बंद हो गए? तो यहां पर अभी भी उनके रास्ते खुले हैं, अभी भी वो वाइफ हैं, जो कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत कंडोनेशन ऑफ डिले की उसे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और यहां पर कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा कि वो जब कोर्ट के द्वारा समन्स इश्यू किया गया था, बार बार समन्स इश्यू किया गया था, तब क्यों नहीं आई, जब उन्हें एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री दे दी गई और उसके बाद जो टाइम लिमिट था उस टाइम लिमिट में भी वो अपीयर क्यों नहीं हो, और इतने देरी का रीजन क्या था। तो सबसे पहले उन्हें ये कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और उसके बाद उनकी अपील को सुना जाएगा। तो इस तरीके से जो है जो प्रोसीजर होती है कि अगर एक यानी कि हस्बैंड के द्वारा अगर डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो वाइफ है उसके प्रॉपर एड्रेस पर वाइफ को प्रॉपर समन्स इश्यू होता है और वो नहीं आती है, बार बार इश्यू समन्स और नोटिस इश्यू होने के बावजूद नहीं आती है, तो ये एक्स पार्टी डिवोर्स डिक्री मिल सकती है। सेम थिंग वाइफ के द्वारा अगर डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल की जाती है और बार बार हस्बैंड के एड्रेस पर हस्बैंड को जब समन्स और नोटिस इश्यू होता है लेकिन वो बार बार नहीं आते हैं तो ये एक्स पार्टी डिवोर्स मिलता है। तो कोर्ट में इस तरीके की प्रोसीजर होती है और एक्स पार्टी डिवोर्स मिलने के बाद भी दोनों जो प्लान डिफेंडेंट होते हैं उनके लिए एक मौका होता है कि वो अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये सी प्रोसीजर कि एक्स पार्टी डिवोर्स की जो प्रोसीजर है वो कोर्ट में किस तरीके से होती है। तो दोस्तों कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि ऐसा ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए